नमस्कार। मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नई सरकार जो आई है, इसने मतलब ये जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है, जो सरपंचों और ब्लॉक मेंबरों के बीच में डालने का काम किया है, जो मतलब उनको हिदायतें दे के और ब्लॉक मेंबरों की हिदायतें छीन के ये जो काम किया है, ये बहुत गलत काम किया है। क्योंकि हम जैसे 70% सरपंचों को दिया गया है, उसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं है, और 15% ब्लॉक समिति को और 15% जिला परिषद को दिया गया है, इसमें हमारी वे बीच में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर जो लगभग 7-8 काम हमें दिए हैं करने के लिए, और 7-8 काम ही इनके जिला परिषद को दिए हैं, और 19 काम इनको सरपंचों को दिए हैं, उसके अंदर हमारी भी कोई दखलंदाजी नहीं है। तो इसी प्रकार हमारी भी बीच में कोई भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए सरपंचों के, क्योंकि हम भी गांव से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक मेंबर हैं, जो हमारे यहाँ से हमारे साथी हैं, उनको ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि कई गांवों में देख रहे हैं इनकी रूटीन ट्यूनिंग सही नहीं होती, मिलती नहीं है सरपंच, और क्योंकि गांव में पार्टीबाजी के हिसाब से तो ये इलेक्शन होते हैं, तो कई बार उनमें वो मतभेद खड़े हो जाते हैं, उनके कारण वो काम चल नहीं सकते। वो ब्लॉक मेंबर उनके पास जाना पसंद नहीं करते और सरपंच ब्लॉक मेंबर के पास जाना पसंद नहीं करते। चलो किसी प्रकार से ये काम अलग अलग बांटे हुए थे, तो ये कहीं ना कहीं ठीक था, और ये नई सरकार ने आगे अपना ये जो किया है काम, ये बहुत गलत किया है। हम इसके खिलाफ हैं, और सरकार को ये हम ये हाँ चुनौती देते हैं भी आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। हम हरियाणा लेवल पे यदि हमारी सुनाई नहीं हुई, तो हम पूरा इसका विरोध करेंगे, और जहाँ तक हमारे से पहुँचा गया, हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करेंगे। आज ज्ञापन दिया वीडियो साहब को, और भी आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे वो हमारी आवाज़ का। धन्यवाद जी। देखो जी, पहला तो थोड़े आने का इतने बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब कृष्ण जी ने दस ही दिता भी जो पहले व्यवस्था थी वैसे ही होनी चाहिए। ये सरकार जब आई है तो पहले तो टेंडर प्रक्रिया कर दी, भी हमारा तो ये है भी पहले वाली व्यवस्था होनी चाहिए, कोई टेंडर नहीं होना चाहिए। सरपंच भी हमारे भाई हैं, वो भी अभी पर कई गांव में जैसे होता ही है पार्टीबाजी के हिसाब से इनकी आपस में होती, हम उनके कोई दखलअंदाजी नहीं करते, तो वो भी ना करें। पहले वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए, टेंडर प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए। और जो सरकार पहले जो कहते थे इनका मान लो जिला परिषद सरपंच और ब्लॉक मेंबर सबका मानदेय बढ़ाना है, वो काम तो अभी तक लागू नहीं किया, वो लागू होना चाहिए। और सभी मिलजुल कर करें, ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये जो काले अंग्रेज हैं, ये फूट डालो राज करो की नीति करते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं भी आगे भी आप ऐसे लोग कहें तो आपको मुंह की खानी पड़ी है, तो आप ऐसा काम मत करो, हमारी भाईचारा रहने दो। और हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे जब काम का बंटवारा हो चुका है, जिला परिषद का अलग काम है, ब्लॉक समिति का अलग है, सरपंचों का अलग है, जो पहले सरकार का बंटवारा हो चुका तो वैसे होना चाहिए, और पुराने जो पहले भी स्थिति वैसे बहाल होनी चाहिए। क्या किसान यूनियन के साथ है सरपंच? हाँ जी, हमारे साथ है। हम जो ठीक है जी, जो सरपंच है जी, अगर ब्लॉक समिति और जिला परिषद उनके काम में इंटरफेयर नहीं करते, तो उनका भी कोई ये जरूरी नहीं होना चाहिए भी हर चीज में वो होना चाहिए। हम इसमें हम दोनों के साथ है, बहुत सरपंच भी हमारे भाई हैं, हम इनका जो सही बात है हम उसका साथ देते हैं। तो ये सरकार है, ये तो पहले ही है फूट डालो राज करो, ये वही काम कर रही है। और हम सरकार को कहना चाहते हैं भी अपने इन तिकड़म बाजी से बाज आ जाए, नहीं तो 3-4 महीने में जो बाकी वोटें आनी है, जो अब मान लो विधायकों की आनी है, तो हरियाणा सरकार है, नहीं तो इनका हम तख्ता पलट देंगे।